टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। पहला जो हमने लिया था वो था एक्सपोर्टिंग, उसके बाद लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, आफ्टर देन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड नाउ टर्न की प्रोजेक्ट्स। टर्न की प्रोजेक्ट्स ये भी एक प्रकार का मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ही है जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, सो टर्न की प्रोजेक्ट मीन्स व्हाट? टर्न करना मतलब क्या कि दूसरी तरफ घुमाना। ओके, ये तो हमें पता है। एंड प्रोजेक्ट्स मतलब कि हमें पता है कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं या अलग अलग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो इस तरह से, सो अगर हमें एक पर्टिकुलर बिजनेस की इसका मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस का कंट्रोल अगर दूसरी कंपनी को देना है तो उसको हम बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। ओके, सो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें रेडीमेड उस बिज़नेस की डिज़ाइन, उस बिज़नेस के लिए लगने वाला जो भी मशीनरीज है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, तो वो भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच अ फर्म एग्रीज टू फुल्ली कैरी आउट द डिज़ाइन। मतलब क्या कि ये इस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि एक फर्म जो होती है तो फुल्ली कैरी आउट द डिज़ाइन, मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर बिजनेस की जो भी डिज़ाइन है वो कैरी करती है, डिज़ाइन क्रिएट एंड इक्विप द प्रोडक्शन फैसिलिटी, जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटी चल रही है तो उसको इक्विप करना, एंड शिफ्ट द प्रोजेक्ट ओवर टू परचेसर। प्रोजेक्ट जो है उसको शिफ्ट करती है किसके पास? परचेसर के पास। ओके, मतलब कि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बनाने के बाद उसकी डिज़ाइन, उसका स्ट्रक्चर, उसका प्रोडक्शन की फैसिलिटी, ये सारा कुछ शिफ्ट करती है तैयार हो जाने के बाद किसको? परचेसर को, जो उसको खरीदना चाहता है। एंड व्हेन द फैसिलिटी इज ऑपरेशनल, मतलब कि जो भी फैसिलिटी हमारी है, मतलब जो भी हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो उसको उसी वक्त परचेसर को सौंपा दिया जाता है जिस वक्त वो ऑपरेशनल हो, मतलब जिससे कोई ना कोई इनपुट हम जब डालेंगे जिसमें तो उससे कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आ जाए। ओके, टर्न की प्रॉपर्टी इज परचेस्ड प्रॉपर्टी दैट ऑलरेडी कंटेन्स, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है तो ये परचेस्ड प्रॉपर्टी है, मतलब क्या कि ये किसी के पास से हमने खरीदी हुई है, दैट ऑलरेडी कंटेन्स, जिसमें अलग अलग सिस्टम्स होती है, जैसे कि फर्निशिंग। फर्निशिंग मतलब क्या कि जैसे फर्नीचर जो होता है, या फिर अलग अलग मशीनरीज, अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम, सो ये सारा कुछ इसमें ऑलरेडी होता है। ठीक है, टर्न की प्रॉपर्टी इज परचेज प्रॉपर्टी और अदर ऑब्जेक्ट्स व्हेन द बायर ऑक्यूपाइज इट, मतलब कि जब परचेसर इस प्रोजेक्ट को खरीदेगा तो उसके वक्त उसको जो जो चीज़ें चाहिए तो वो भी इसमें क्या होगी, इंक्लूड होगी। दिस आर टाइप ऑफ कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट, मतलब ये कैसी अरेंजमेंट है? कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट इन विच वन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स विद अनादर, मतलब एक कंपनी दूसरे के साथ क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। रेडी टू ऑपरेट फैसिलिटी, मतलब ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि ये रेडी टू ऑपरेट है, मतलब कि जो पूरा जो एक एंटायर प्रोजेक्ट है तो वो उसको हम किसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो परचेसर है उसको। एंड अनादर टू बिल्ड कंप्लीट रेडी टू ऑपरेट फैसिलिटी, मतलब उस पर्सन को या उस परचेसर या बायर को हम जो है वो सारी फैसिलिटी रेडी करके दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल करके वो अपना जो भी काम है या अपने जो भी ऑपरेशंस है, बिजनेस एक्टिविटीज़ है, तो वो वहाँ पे कंडक्ट कर सके इन अ इफ़ेक्टिव मैनर। ओके, सो इसके लिए जो सेलर है टर्न की प्रोजेक्ट्स का, मतलब जो फैसिलिटी जिसने प्रोवाइड की है उसका, तो वो जो है तो वो परचेसर से क्या लेता है उसके बदले में? एक स्पेसिफिक अमाउंट लेता है कि मैंने जो है आपके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार मैंने एक फैसिलिटी तैयार करके दी है, तो इसलिए मैं क्या कर चाहता हूँ आपसे, कुछ ना कुछ वैल्यू या कुछ ना कुछ अमाउंट चाहता हूँ। ओके, सो ये चीज़ इसमें आती है। जनरली डन इन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एरिया, मतलब कि ये बेसिकली कहाँ पे होती है? इन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन कंस्ट्रक्शन एरिया। क्लियर? मतलब कि जो भी इंडस्ट्रीज होती है अलग अलग, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स या फैक्ट्रीज होती है, या जो भी कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, तो वहाँ पे ये जो है ये फैसिलिटीज़ जो है ये बनाई जाती है, या फिर ये फैसिलिटीज़ इस तरह की फैक्ट्रीज़ को प्रोवाइड की जाती है। ये जो फैसिलिटीज़ है, फैसिलिटीज़ का मतलब क्या, जो जो प्रोजेक्ट्स है उसमें फर्नीचर भी है, अलग अलग इक्विपमेंट्स भी है, अलग अलग मशीनरीज भी है, अलग अलग
जो भी आपको चाहिए स्टॉक्स इन्वेंट्री ये सारी चीज़ें इसमें रेडीमेड होती है। तो ये सारा तैयार करना और दूसरे को जो परचेसर है उसको प्रोवाइड करना ये बड़ा मतलब लार्ज स्केल का काम होता है। इसको तैयार कहाँ पे किया जाता है, या तो इंडस्ट्री या तो फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो भी फर्म होगी वहाँ पे तैयार किया जाता है। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि टिस्को इंडिया, SNBCC लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स, ढोलू कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये सारे एग्जांपल्स किस लिए कि ये जो है ये वन ऑफ द टाइप ऑफ टर्नकी प्रोजेक्ट जिसको मतलब क्या किया गया है, ऑपरेट किया गया है अलग अलग बिजनेसेस के थ्रू। ओके, आई होप आपको जो इसका मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। अभी एग्जांपल्स से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि जैसे मेनी गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आर टर्नकी प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट का जिस पे कंट्रोल है ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिसके ऊपर फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, कि जैसे रेलवे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें, तो इस पर फुल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्नकी प्रोजेक्ट्स, कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होने की वजह से गवर्नमेंट क्या करता है, इस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर जो भी इंस्टीट्यूट है या अथॉरिटी है उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि आप हमें ये बना के दे दो, ऐसी रिक्वेस्ट करता है। अ प्राइवेट डेवलपर अंडरटेक ऑल एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूसिंग द प्रोजेक्ट। अगर रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है या फिर पीएमटी की जो भी एक्टिविटीज चलती है, पीएमपीएमएल की, इंक्लूडिंग लैंड परचेस। लैंड परचेस का मतलब क्या कि ज़मीन को अगर परचेस करना हो, परमिट्स, प्लान्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड सेल्स द प्रोजेक्ट टू द हाउसिंग अथॉरिटी। हाउसिंग अथॉरिटी के पास ये आ जाने के बाद क्या होगा फिर, मतलब जो भी प्राइवेट डेवलपर्स है तो वो इस एक्टिविटी को लेते हैं, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, एंड जिनको भी ये चाहिए, ये प्रोजेक्ट बना के चाहिए, तो उनको पास वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। सपोज़ एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि बचपन में हम क्या करते थे कि टीचर जब भी हमें कुछ बनाने के बोलते थे, जैसे प्रोजेक्ट हो, कोई प्रैक्टिकल हो, कोई लैब एक्सपेरिमेंट हो, तो उसके बदले में जो अच्छा करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसी तरह से अगर गवर्नमेंट या फिर कोई भी अथॉरिटी जब टर्न की प्रोजेक्ट के बारे में या फिर टर्न की प्रोजेक्ट बनाने की किसी को रिक्वेस्ट करती है तो उसके पास से वो बना के लेती है प्रोजेक्ट, एंड उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ वैल्यू या अमाउंट जो है वो देती है। ओके, सो इसके एडवांटेजेस क्या है, सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो टर्न की प्रोजेक्ट है तो ये इसमें बहुत ही खर्चा आता है, एक्सपेंसिव होता है ये बहुत, और अगर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो इसका, मतलब स्मॉल स्केल पर अगर ये ऑपरेट हो जाए तो इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि स्मॉल स्केल पर अगर ये ऑपरेट किया जाए तो जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस है उनको डेली रूटीन का जो उनका खर्चा है वही करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ये अगर टर्न की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा क्या होगा, खर्चा उठाना पड़ेगा। ओके, एंड आगे भी उस टर्न की प्रोजेक्ट्स का अच्छी तरीके से उनको आउटपुट मिले ये भी तो पॉसिबल है ही, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हेल्प टू अचीव हाईएस्ट लेवल ऑफ इफिशियंसी। ऑब्वियसली अगर लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है तो इसके पीछे उनका कोई ना कोई क्या होगा, मोटो होगा या गोल होगा, जिससे क्या होगा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इफिशियंसी वो क्या कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि टर्न की प्रोजेक्ट्स होता ही इसलिए है कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो, सेल्स इम्प्रूव हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो, ठीक है, और जो कंपनी है उसका गुडविल भी इंक्रीज हो, और ये किससे होगा फिर, जो भी वर्कर्स है उनकी इफ़िशियंसी बढ़ने के बाद, इफ़िशियंसी इन द सेंस कि प्रोडक्शन मैक्सिमम हो एंड प्रॉफिट जो है वो भी मैक्सिमम हो, लेकिन जो हमारा खर्चा है, कॉस्ट है, वो कम होना चाहिए प्रोडक्शन का। कॉन्ट्रैक्टर और डेवलपर विल गेट पेड ओनली ऑन प्रोजेक्ट कम्प्लीशन। मतलब कि सपोज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किसी एक बिल्डर को दिए जाते हैं, जैसे कि हमने देखा है अलग अलग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स से फेमस बिल्डर्स जो होते हैं, न्याति बिल्डर्स फॉर एग्जांपल। सो इस तरह के जो बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद जो भी बायर की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से, या फिर जो भी मॉडल बायर ने हमारे पास दिया है, जो भी मॉडल बना के दिया है उस कंस्ट्रक्टर को कि इस प्लान के हिसाब से आपको ये बनाना है, ठीक है, सो वो बनाने के लिए जो भी खर्चा आता है तो वो पूरा प्लान क्लियर हो जाने के बाद उस कॉन्ट्रैक्टर को क्या किया जाता है, पेड किया जाता है। ओके, सो
इनएक्सपीरियंसड ओनर्स आर सेव्ड फ्रॉम हैविंग टू मेक डिसीजन ऑन कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन मैटर्स. मतलब कि जो इनएक्सपीरियंस, जिनको इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, सो इसके टर्न की प्रोजेक्ट्स का ये बेनिफिट है कि जो इनएक्सपीरियंसड ओनर्स है तो वो इसमें सेफ रहते हैं. क्यों? फ्रॉम हैविंग टू मेक डिसीजन्स ऑन कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन मैटर्स. जो भी कंस्ट्रक्शन के मैटर्स होते हैं तो उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन हमें करना पड़ता है, कोई अलग अलग मैटर्स डिस्कस करने पड़ते हैं, ठीक है, टू मेक डिसीजन्स. सो वो अलग अलग डिसीजन्स लेने के लिए उतना कैपेबल नहीं होते इनएक्सपीरियंस्ड ओनर. सो टर्न की प्रोजेक्ट्स के थ्रू इनको ये बेनिफिट मिलता है. ओके, क्योंकि रेडीमेड हमें क्या मिलता है, प्रोजेक्ट का जो भी कंप्लीशन है वो करके मिलता है. डिसएडवांटेजेस, द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज़ लेंदी. जो भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने का जो भी टाइम है तो वो बहुत लेंदी होता है. एक बिल्डिंग को बनने के लिए 2-3 साल में वो कंप्लीट नहीं होती है. एक अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो सपोज बिल्डिंग का, ठीक है, तो उसको बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये 6-7 महीने का काम नहीं है. हायर चांसेस ऑफ करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क जो भी होती है कि जैसे डॉलर्स है, रुपीज़ है, तो यहाँ पे करेंसी रिस्क भी उतनी ही होती है, क्योंकि जो टर्न की प्रोजेक्ट्स है तो वो विद इन द कंट्री उसका जो है काम चलता ही है, बट आउटसाइड भी आप क्या कर सकते हो, टर्न की प्रोजेक्ट जो है वो सेल कर सकते हो. तो वहाँ पे अगर फॉरेन में आपने सेल किया तो वहाँ की करेंसी और हमारी करेंसी में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा. तो यहाँ पे भी चांसेस ऑफ रिस्क है. मतलब हमारे हिसाब से जो खर्चा आया है, मतलब हमें बनाने के लिए उसमें जो खर्चा आया है, वही खर्चा अगर हम उनसे मांगना चाहे तो उनकी करेंसी अलग है, हमारी करेंसी अलग है. सो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्क होता है, मे बी कभी कभी हमको लॉस भी हो सकता है. द रिटर्न्स आर नॉट अवेलेबल इन शॉर्ट टाइम. हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है. आफ्टर देन फेस ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑपरेटिंग इन रिमोट लोकेशंस. कि जो भी जो टर्न की प्रोजेक्ट है ये हम एक फिक्स जगह पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फिक्स जगह पे हमें ये करना हो तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें सेल करना होता है, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह पे जाता है. सो हम ये रिमोट लोकेशन पे नहीं कर सकते हैं. अभी जो टर्न की प्रोजेक्ट है इसमें कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड है, स्पेसिफिकली ये जो है वो है ट्रेनिंग, ओके, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइनिंग एंड डिटेल्ड इंजीनियरिंग, ये इसमें इंक्लूड होता है. मतलब टर्न की प्रोजेक्ट में ओवरऑल जो एम्प्लॉयज़ है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. आफ्टर देन सिस्टम डिज़ाइनिंग डिटेल्ड इंजीनियरिंग, मतलब कि जो भी सिस्टम चाहिए है हमें प्रोडक्शन के लिए या फिर हमारा बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, उसके लिए जो भी इंजीनियरिंग वर्क रिक्वायर्ड है तो वो इसमें आएगा. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पैनल, जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी पैनल्स होते हैं, जो भी मशीनरीज होती है वो इसमें आती है. सप्लाई ऑफ यूटिलिटीज़, PLC, SCADA सिस्टम, वैलिडेशन, कैलिब्रेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, साइट इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, तो ये सारी चीज़ें जो है वो टर्न की प्रोजेक्ट में इंक्लूड होती है. और ये सारा प्रोजेक्ट जो है आफ्टर कंप्लीशन जो भी परचेसर या बायर है उसको सेल किया जाता है. ओके, सो आई होप आपको आज का जो वीडियो है टर्न की प्रोजेक्ट की जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुकी होगी. सो अगर इसी तरह से आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.